रिकॉर्डिंग जो है सर आप वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दें सर। स्टार्ट हो गई है, आपको शो हो रही है रिकॉर्डिंग का वो? जी 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 सर शो हो रही है। चले, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो इशू नहीं है, उनसे मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? जी सर हो रही आवाज है। मेरी सही आ रही है ना आपको? जी जी सर सर, आवाज आपकी क्लियर है सर। अच्छा यस ठीक। अच्छा, ये जस्ट एक वैसे इनफॉर्मल सा सेशन है, ताकि मैं चाह रहा था कि एक तो आप लोगों से जरा बातें कर लेते हैं और पता चल जाता है कि कौन कौन स्टूडेंट इनरोल है इसमें, आपको भी पता ओके चल जाए कि आपका नाम भी मेरे पास पोर्टल पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मुझे जी बताएं सर। कि आपको ये स्क्रीन शो हो रही है डेस्कटॉप मेरे, उसकी जी सर क्लियर मैं आपकी अटेंडेंस बताता हूँ, वो वाली हो रही है या स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड स्लाइड सर स्लाइड शो। शो। एक मिनट के, मुझे एक मिनट में ना आपको। अच्छा, अब आपको वो पोर्टल शो हो रहा है LMS वाला? जी नाउ सर सर। शो हो रहा अच्छा ठीक है। एक तो मैं आपको पहले दो तीन बातें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना। एक तो अटेंडेंस का है, कुछ लोगों के नाम ना पोर्टल पे नॉर्मली नहीं शो होते, जिनका कोई ना कोई इशू होता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई अकाउंट ऑफिस की तरफ से भी हो सकता है। तो मैं जस्ट आपको एक दफा दिखा दूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अभी मेरे पास इनरोल्ड हैं, यानी शायद उन्होंने करवाया, उनका नाम ना आ रहा हो, मेरे पास जिन जिन स्टूडेंट का नाम आ रहा है, तो मैं एक उनकी वो अटेंडेंस भी एक लगा लेता हूँ अभी। अच्छा, मेरे पास सैफुल्ला का नाम आ रहा है, ठीक है? सैफुल्ला आए हुए हैं? वक्त वक्त तो नहीं है सर वैसे। नहीं है, चलें अभी सैफुल्ला ये डिस्कशन करूंगा तो पता चल जाएगा सैफुल्ला को कि वो मेरे पास है। फिर फिजान ठीक हो बच्ची है, गया अशरफ है, मोहम्मद दानियाल है, सर। है एक यार, ये कौन बोल रहा है, अनम्यूट कर ले। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड शो हो रही है ना? नो जी सर सर शो हो रही है। जी अच्छा ठीक, नहीं हो रही सर शो। स्टैंडर्ड शो हो रही है, दोबारा मैं शेयर यस कर, स्लाइड शो हो रही है सर। हो रही है सर, अटेंडेंस शो हो रही है। ठीक है, अटेंडेंस अच्छा शो मेरे हो रही पास, है सर। जी जी ठीक है ठीक है, मैं अटेंडेंस ही आपको बता रहा था कि फिजान बशीर हैं, अदील अशरफ हैं, दानियल हशमत है, बिलाल खुरम है, जफर हैदर, मोहम्मद मुबशिर, अब्दुल गफार, गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद उमेर नईम, मरगूब अब्दुल बासित, मोहम्मद वकास, आमना लियाकत, ये क्या है, इनशारा सज्जाद, इनशारा सज्जाद। इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, फैसल मुनीर है, अली रजा, समी राज, जिशान अकरम, राशिद महमूद, और ये सुहेल अफजल खावर, तस्मिया फायजा, ये 24 लोग हैं मेरे पास इनरोल्ड, ठीक है? अगर आप में से किसी का जी नाम सर नहीं आ रहा इसमें शो हो रहा, तो आप ना कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, शायद बिज़हॉप से करना होता है, मैं जिस कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर ले, वो आपको गाइड कर देगा कि आपका नाम क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इनकी प्रेजेंट लगा देता हूँ, एक मिनट बस, मुझे एक मिनट, ठीक हो। अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे, स्लाइड्स पे। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपको दो चार लेक्चर अपलोड भी किए हुए हैं, उसमें मैंने बताया था कि हम इस सेशन के लिए दो बुक्स फॉलो कर रहे हैं। एक तो शायद आप में से अक्सर लोगों ने पढ़ी हो, ये फ्रोजन की बुक होती है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, BS में आपने पढ़ी होगी, जी ठीक है? लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई और मेजर होता है BS में, तो वो इधर आए होते हैं CS करने, तो उनके लिए मैं इससे भी लेक्चर अपलोड करता रहूँगा, कर किए भी हैं एक दो, और फर्दर मैं कर दिया करूंगा इस बुक से भी लेक्चर अपलोड, ठीक है? और आपका पेपर इस बुक से में भी इससे भी आएगा, ये जो फर्स्ट बुक है फ्रोजन वाली, लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो होगा ये जो सेकंड बुक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स सिस्टम अप्रोच, ठीक है? अब मैंने सुना है कि कुछ स्टूडेंट जो लास्ट सेमेस्टर शायद फेल हो गए थे, तो वो दोबारा कोर्स उन्होंने इनरोल किया हुआ, तो उन्होंने ये भी बुक शायद ऑलरेडी पहले पढ़ी हो, या जैसे भी है, हम मैं मेजरली इस बुक को बेसिकली फॉलो कर, ठीक है?
इसी की स्लाइड्स बनाता हूँ, इसी की स्लाइड्स आपसे मैं शेयर करता हूँ। इन दो, ये दो बुक्स हैं, इसके अलावा मैं कोई और बुक फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, जो लेक्चर्स हैं वो अभी तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, और मुझे जो ज़्यादा सूटेबल लगता है वो यही लगता है कि मैं लेक्चर अपलोड कर दूँ, क्योंकि ये कभी कभी नेटवर्क ग्लिचेज इतनी आ जाती हैं, किसी को आवाज़ सही जा नहीं रही होती, तो इसलिए मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि मैं आपसे जो भी टॉपिक हमने उस सब्जेक्ट बुक का कवर करना होगा उसकी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर देता हूँ, ताकि अक्सर जॉब होल्डर्स हैं तो वो जब उनको टाइम मिले तो वो लेक्चर देख सकते हैं, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा वो देख सकते हैं। फिर जूम का ये होता है कि उसमें काफ़ी मसले आ रहे होते हैं, तो अगर आप क्लास मिस कर दें तो भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन एक तो मैं लेक्चर अपलोड भी कर दिया करूँगा, और एक जूम का सेशन कोशिश करूँगा कि हर वीक एक जूम की क्लास भी हो आपके साथ, ठीक है। अच्छा जी, आवाज मेरी आ रही है ना? अच्छा ठीक है। यस सर। अच्छा, जो ये जो कोर्स है ये किस तरह चलेगा? इसमें जो है मिड टर्म आपका जो होगा उसके 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। फिर आपने एक पेपर खुद ही से ढूंढना है, या मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। वो आपने किसी का भी कोई भी रिसर्च पेपर है वो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। समझ के आपने बताना है कि इसमें क्या क्या बातें थी, क्या मेथडोलॉजी थी, किसी भी टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करके उसका एक पेपर पढ़ के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें अभी बता रहा हूँ ये हमने करनी है मिड टर्म के बाद, ठीक है। मिड टर्म तक मैं ही आपको लेक्चर दिया करूँगा, सारा कुछ मैं ही किया करूँगा। अच्छा, इसके बाद है रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये एक किस्म का आपका कह लें कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आपने एक अगेन, एक तो ये रिसर्च पेपर 10 नंबर वाला है ना, एक रिसर्च पेपर है जिसमें आपने थोड़ा उस पेपर को डीपली स्टडी भी करना है, और अगर उसका कोई एल्गोरिदम कोई इम्प्लीमेंट होता है तो वो भी करके दिखाना है, यानी उसमें आप पैकेट ट्रेसर पे ही चाहे कुछ भी मुझे कोई इम्प्लीमेंट करके दिखाएं उस पेपर को, वो आपने करना है। मेजर जो है आपका इस पूरे सब्जेक्ट में वो ये होगा कि आपने कोई एक एरिया सिलेक्ट करना है अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में से, यानी कोई प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पे आपने एक पेपर को सिलेक्ट करना है। उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा कि क्या क्या आपकी जो भी आपकी इंटरेस्टेड फील्ड है उसमें आप बता सकते हैं कि मैंने ये करना है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी। अच्छा, उसके वेटेज है, उसकी जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स होंगे। इसके अलावा फाइनल टर्म जो होगा वो देखते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या ईद के बाद वो कहते हैं, तो फाइनल टर्म का मतलब मैंने अभी तक 20 मार्क्स रखे हुए हैं, ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये ग्रेडिंग कंपोनेंट से डिफरेंट है जिसकी बेस पे ये हमारा पूरा कोर्स जो है प्रोसीड करेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि जो लेक्चर्स होंगे वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, उनके लिए जो जो टाइम पे नहीं ज्वाइन कर सके या किसी की क्लास मिस हो गई है, वरना एक जूम का सेशन भी हम अरेंज कर लिया करेंगे। ये मिड टर्म तक होगा, मिड टर्म के बाद फिर आपने पेपर जो रिसर्च की होगी वो ये प्रेजेंट करना है। ये तो छोटा सा कोई भी आप रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेजर है वो एक किस्म का ये आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके 40 मार्क्स। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये सर रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन सर ये किस तरह प्रोसेस को एलैबोरेट कर दीजिएगा? क्या पूछ रहे हैं सर? ये 10 मार्क्स का जो आपने रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है जी, इसको सर थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें, ये समझ नहीं आ रहा मतलब ये हमें किस तरह से। मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली आपने कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड नेटवर्क्स का ले लें, कम्युनिकेशन का ले लें, मोबाइल कम्युनिकेशन ले लें, वायरलेस कम्युनिकेशन ले लें, कोई भी एक कंप्यूटर नेटवर्क तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ना, उसमें प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल देख लें, एचटीटीपी देख लें, कोई भी मतलब एक आपने उसका कंप्यूटर नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, उसको किसी एक कंपोनेंट को लेना है, उस पे बहुत से लोगों ने रिसर्च की हुई है। मैं आपको ये अगली स्लाइड में बता देती हूँ। जिस तरह मैंने ये कोई ली है कि ये कॉन्फ्रेंसेज हैं डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, ठीक है। ये एक जो फर्स्ट वन है वो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पे ज़्यादा काम करती है,
ठीक है, इसी तरह कोई और होगी जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे काम करती होगी, कोई नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करती होगी, कोई नेटवर्क के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पे जिस तरह ये काम करती है, ठीक है, इसी तरह कोई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है आपका, कोई भी मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफिक्स आप देख सकते हैं, आप किसी प्रोटोकॉल पे रिसर्च कर सकते हैं, जो भी आपने बैचलर्स में पढ़ा है ना उस पे एक पूरी पीएचडी की डिग्री भी ली जा सकती है किसी एक प्रोटोकॉल पे। तो ये डिफरेंट मैंने शेयर की हुई है कॉन्फ्रेंसेस, जिस तरह ये स्प्रिंगर है फॉर एग्जाम्पल 46 नंबर जिसका लिखा हुआ है। अब स्प्रिंगर वाले जो है नेटवर्क पे बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस होती है जो कि काफी ज्यादा पेपर पब्लिश करते हैं। आपने इसमें से क्या करना है कि आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, अगर आपको स्प्रिंगर का कोई पेपर आप सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपको नेटवर्क्स में कौन सी डोमेन अच्छी लगती है, आपको सिक्योरिटी वाली अच्छी लगती है या आपको वायरलेस कम्युनिकेशन अच्छी लगती है या आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ज़्यादा सही लगती है, ठीक है, या फाइल के जो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने सबसे पहले अपने डिफाइन करना है कि आपको नेटवर्क्स में क्या ज्यादा अच्छी डोमेन, कौन सी डोमेन ज्यादा अच्छी लगती है, डोमेन से रिलेटेड बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आपने उनमें से तब 10 नंबर वाला एक रिसर्च पेपर ढूंढना है, 10 नंबर वाला रिसर्च पेपर वो होगा जिसमें कोई हो सकता है एनालिसिस हो, कोई उन्होंने सर्वे किया हो, यानी उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिंपल सा उन्होंने दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कंपेयर किया हुआ है, मतलब एक सिंपल सा पेपर लेना है जिसको प्रेजेंट कर देना, उसमें आपने खुद से कोई कोड नहीं लिखना, कुछ नहीं करना। फिर जो सेकंड पेपर होगा, जो जिसको मैं एक किस्म का फाइनल ही समझता हूँ, फाइनल पेपर ही सेकेंड पेपर, उसमें आपने थोड़ा डीपली उसको स्टडी भी करना है और आपने देख आपने खुद से पेपर नहीं लिखना बल्कि जो ऑलरेडी आपकी जो इंटरेस्टेड फील्ड है ना, जिस तरह मैंने क्रिप्टो वो बता दी, नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल बता दी, नेटवर्क सिक्योरिटी में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपने देख नेटवर्क सिक्योरिटी में फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये जो हम हैकिंग वगैरह करते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नेटवर्क सिक्योरिटी करते हैं, इसकी आगे डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। आपने कोई एक एल्गोरिदम पे फॉर एग्जांपल पेपर पढ़ लिया कि इस पेपर में नेटवर्क सिक्योरिटी पे ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ये वाला एल्गोरिदम इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, और आपने ये रिजल्ट्स आए थे, हाँ उस पे ये एल्गोरिदम था, तो आपने कोशिश करनी है कि वो पेपर डीपली पढ़ें और उसकी देखें कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। तो ये आपका एक पूरे सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है जो कि आप आज से ही चाहे सर्च करना शुरू कर दें कि आपका इंटरेस्टेड फील्ड कौन सी है नंबर एक, और फिर आपने ये डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज के ये जो नाम मैंने स्लाइड शेयर की हुई है ना, इसमें डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, जिस तरह IEEE सबसे काफ़ी ज़्यादा है, इसी तरह ACM है, ये भी ठीक है, ये भी करते हैं, इस तरह स्प्रिंगर भी है, ये SIGCOM जो है ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है SIGCOM नेटवर्क्स की। तो इसकी आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं कि अभी करंटली जो है क्या आपकी जो डिजायर्ड है फील्ड उसमें क्या रिसर्च चल रही है, ठीक है, तो आप वो कोई किसी भी बंदे का पेपर पढ़ें जरा ध्यान से, दो महीने का टाइम होगा आपके पास, दो नहीं एक महीने का, तो आपने कौन सा खुद से पेपर लिखना है, आपने तो जिसने लिख दिया बस उसका पेपर पढ़ना है और उसको समझना है और फिर प्रेजेंट कर देना है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करेगा उसमें कुछ बोनस मार्क्स होंगे, सब लोग तो इम्प्लीमेंट शायद ना कर सकें लेकिन उम्मीद तो यही है कि कोशिश करेंगे आप बोनस मार्क्स के लिए। तो ये था थोड़ा सा कि किस तरह कोर्स चलेगा और किस तरह होगा, क्लासेस तो ऑलरेडी हो रही हैं, मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, कल दो तीन में अपलोड कर दूंगा TCP पे, नेटवर्क आर्किटेक्चर पे, और एक और टॉपिक है उसमें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्राइडे को नहीं तो फ्राइडे की रात को मैं अपलोड कर दिया करूँगा एक 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 लेक्चर इसका कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर कोई हमने जूम सेशन रखना होगा तो वो हम फिर उससे नेक्स्ट डे रख देंगे, क्योंकि ये हम टाइम टेबल में कोई एज सच मेंशन नहीं था आपके साथ मेरा स्केड्यूल,
क्योंकि ये क्लास बेसिकली जो डिज़ाइन की गई थी वो अरे की गई थी उन स्टूडेंट के लिए जो फेल हो गए थे शायद लास्ट सेमेस्टर में। तो सर वो एक क्वेश्चन है सर, सर मैंने ये पूछना था जो हमारा मिड का पेपर होगा तो सर उसके अंदर हमें कोई रिसर्च पेपर मिलेगा जिसके हमने समरी लिखनी है, क्वेश्चंस होंगे सर? नहीं नहीं, आपका जो मिड तक होगा ना पेपर, वो तो ये जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ना, ये जो स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, जिस तरह लास्ट लेक्चर था हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस में, जी सर ठीक है, और उससे पहले स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग था, फिर ओएसआई मॉडल था, तो मिड तक का आपका सारा जो पेपर होगा वो यही वाला होगा, ये जो मैं आपको लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा, एलएमएस पे भी शेयर करता जाऊंगा, ठीक है, जूम की क्लास हो जाएगी आपको। मिड तक आपने कोई रिसर्च पेपर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है, लेकिन आपने अभी से सोचना शुरू कर देना है कि आपको नेटवर्क्स में, सारा नेटवर्क तो कोई भी नहीं समझ सकता, आपको नेटवर्क में आगे कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी अच्छी लगती है, आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी लगती है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा सूट करती है, इस तरह यानी आपने आगे बहुत सारी डोमेन्स हो जाती है ना एक ही सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आपको जो डोमेन अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी अच्छी लगती है, तो मैं कहूँगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी में अब डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं सिक्योरिटी के, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, तो मैं देखूंगा अच्छा चलो मैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन उस पर काम कर लेता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी पे, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा आजकल का क्या ट्रेंड है नेटवर्क सिक्योरिटी में, आजकल क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन से टाइप्स के अटैक्स हो रहे हैं, उनको किस तरह जो है वो टैकल किया जा रहा है, तो मैं फिर उस पर रिसर्च पेपर ढूंढूंगा कि कौन कौन से मेरी फील्ड इंटरेस्टेड फील्ड से रिलेटेड रिसर्च पेपर है, तो मैं उनको मिड तक ढूंढता रहूंगा, ठीक है, जैसे ही मिड मैं दे दूंगा, जब जैसे ही आपके मिड हो जाएंगे तो आपके पास एक एक रिसर्च पेपर होना चाहिए जो 10 मार्क्स का है, ठीक है, वो तो सिंपल सा होगा ताकि आपकी एक बेस बन जाए, कि आपको पता चल जाए कि अच्छा रिसर्च पेपर इसी तरह लिखा जाता है, इस तरह मतलब आपको एक रिसर्च पेपर का आइडिया हो जाए कि यार किस तरह के होते हैं, ठीक है, और जो मेन जो दूसरा मैंने बताया हुआ है दूसरा रिसर्च पेपर, वो आपका समझेंगे एक फाइनल पेपर ही है, ठीक है, 40 मार्क्स, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा उस पेपर को डीपली इस तरह स्टडी करना है कि ना सिर्फ आपने उसको स्टडी करना है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है, यानी आपने अगर नेटवर्क सिक्योरिटी का कोई एल्गोरिदम पढ़ लिया हुआ है तो आपने देखना कि अच्छा इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ, वो आप पैकेट ट्रेसर पे कर दें, वो जैसे भी उन्होंने उन पेपर वालों ने इम्प्लीमेंट किया होगा जो भी टूल यूज करके, आप वही वाले टूल यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सभी लोग कर सकेंगे, हो सकता है कोई पेपर इम्प्लीमेंट होने वाला ना हो, कोई हो सकता हो, देखते रहेंगे फिर हम देखते रहेंगे कि ये आप इसको आगे कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस तरह एक कोर्स चलेगा और साथ साथ वीडियो लेक्चर्स तो अपलोड होते जाएंगे। होते जाएंगे तो हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा जी 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 सर आ रही है। इस तरह यानी आपका YouTube पे लेक्चर जी सर आ रही है आवाज जी जी YouTube पे आपके लेक्चर भी चलते रहेंगे और आपका एक वो रिसर्च का जो है ना वो भी आप करते रहेंगे रिसर्च, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा अभी मुझे देखने दें किस किस ने ज्वाइन किया हुआ। अच्छा मुझे पता चला था कि सर जस्ट मिड तक जी भाई सर ने ये कहा मिड तक कोई जी दोबारा बताएं पूछें वो एक इंटरप्शन आ जाता सर मैं कह रहा था कि मिड तक सिर्फ लेक्चर ही है ना रिसर्च तो नहीं है ना मिड तक रिसर्च नहीं है लेक्चर तो फाइनल तक ही होते जाने हैं ठीक है यानी लेकिन अभी मैं मिड तक सारे के सारे लेक्चर ही हैं यानी आपका जो पेपर आना है 30 नंबर का वो सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसी में से ही आएगा ठीक है पढ़ाता मैं बाद में भी जाऊंगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा फिर आपका ज्यादा फोकस रिसर्च पे हो जाएगा लेकिन आपको
आज से ही या कल से जैसे ही आप कभी फ्री हो सोचना शुरू कर दें यार हमें नेटवर्क्स में कौन सी कंप्यूटर नेटवर्क अच्छा भी लगता है कि नहीं लगता, अगर लगता है तो इसमें क्या चीज अच्छी लगती है। आपको जाना पड़े कंप्यूटर सिक्योरिटी में तो आप क्या कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी जाना चाहेंगे या आप नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहेंगे या आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है तो आप वहां जाना चाहते हैं या मोबाइल कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, इस तरह यानी आगे भी इसकी फर्दर फील्ड है ना। या आपको कोई प्रोटोकॉल अच्छा लगता है या आपको कोई लगता है कि मुझे इस लेयर पे काम करना चाहिए या आपको पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, इंटर प्रोसेस में जाना चाहिए, इस तरह मतलब बहुत सारी अब बहुत ज्यादा फील्ड है। तो आपने फिर सोचना शुरू कर देना इस तरह मिड तक आपका क्या होना चाहिए, आपको एक तो लेक्चर तैयार होने चाहिए जो मैं अपलोड कर रहा हूँ और सेकंडली आपका एक 10 नंबर का रिसर्च पेपर भी तैयार होना चाहिए जो आपने मिड खत्म होते हुए ही प्रेजेंटेशन उसकी देनी है, ठीक है। कोर्स और बाकी कोर्स तो लेक्चर तो चलते रहेंगे पैरेलल में, लेकिन अभी लेक्चर थोड़े से कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा हो, लेकिन फाइनल मिड के बाद लेक्चर कम हो जाने हैं, आपकी रिसर्च ज्यादा हो जानी है। फिर आपने जो 40 मार्क्स का रिसर्च का पेपर है जब आपने उसको करना है तो उसमें आपने फिर टूल्स भी ढूंढने हैं कि अच्छा ये मैं एक पेपर रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ तो इस पे इन लोगों ने कौन कौन से टूल्स यूज करके ये रिजल्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको टूल्स पता होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि अच्छा यार नेटवर्क्स में ये टूल्स मेरी जो फील्ड है फॉर एग्जाम्पल जो भी इंटरेस्ट मेरी इंटरेस्ट की फील्ड है उसमें ये टूल्स यूज हो रहे हैं और उसमें ये आजकल जो करंट चीज़ें चल रही हैं वो जो मार्केट में करंट चीज़ें हैं इन वो ये हैं और करंट चैलेंजेस ये हैं अपॉर्चुनिटीज ये हैं। तो इस तरह आपको होना चाहिए। गैलेक्सी A31 इन्होंने कोई हैंड रेज किया था, जी बताएं गैलेक्सी हेलो। अच्छा चलें, अच्छा मुझे बताएं कि आप सब थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के हैं, कहाँ कब कौन से सेमेस्टर? सर फोर्थ लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा लास्ट सेमेस्टर फोर्थ के भी हैं, कुछ मिक्स में आई थिंक है। अच्छा मैंने ये वो किया हुआ था रिकॉर्डिंग तो और टाइम भी जो रन आउट कर रहे हैं